हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कॉमन इश्यूज के बारे में जो वेबसाइट में तकरीबन सभी को शो होता है, क्रोल क्लाइंटली नॉट इंडेक्स। इसके बारे में पहचान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप इस साइट को फिक्स कर पाएंगे और कैसे अपने वेब पेजेस को सर्च इंजन में इंडेक्स करवा सकेंगे। सो लेट्स डाइव राइट इन। आपके सामने कुछ स्टेप शेयर करूँगा मैं, स्टेप के बगैर कभी भी साइट को आप फिक्स नहीं कर सके। इनमें से जो फोर्थ स्टेप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरा फेवरेट है। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि क्रोल क्लाइंटली नॉट इंडेक्स एरर का मतलब क्या है। जब से सर्च इंजन बोर्ड्स आपकी वेबसाइट को क्रोल करता है तो आपको कंटेंट को एनालाइज करने के बाद वो डिसाइड करता है इस कंटेंट को, आपके कंटेंट को इंडेक्स करना है कि नहीं करना है। फिर वो आपका जो रिजल्ट है वो आपको सामने शो कर देता है। ये इसका मतलब ये हुआ कि आपके सामने ये एरर आ जाता है, क्रोल क्लाइंटली नॉट इंडेक्स। इसका मतलब आपके सर्च इंजन जो है आपके पेजेस को जो क्रोल तो करता है, लेकिन फॉर सम रीज़न they are not currently indexed. Now let's move on the step you can take to fix these issues and index your pages and follow along with me. Step 1, check your robot.txt file. सबसे पहले सोचने वाली बात है कि आपने अपनी वेबसाइट में robot.txt फाइल को चेक किया कि नहीं किया। यह फाइल जो इंस्ट्रक्शन होती है जो सर्च इंजन बोर्ड्स को आपके पेजेस को स्क्रॉल करने के लिए और इंडेक्स करने के लिए इन्फॉर्म करती है। मेक श्योर डैट जो आपकी जो robot.txt फाइल है कि आपने आपकी जो robot.txt फाइल है कि उसने उन पेजेस को ब्लॉक तो नहीं किया हुआ जिस पेजेस को आप ब्लॉक इंडेक्स करवाना चाहते हैं। आपने इस robot.txt फाइल को एक्सेस करने के लिए अपनी डोमेन नेम के एंड पे /robot.txt लिख देना है तो आपके सामने एक फाइल शो हो जाएगी। आपने वहाँ पर फाइल को तकरीबन पूरा पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपने देख लेना है आपने उन कुछ तमाम पेजेस को उन पेजेस को डिसलॉग तो नहीं किया हुआ जिन पेजेस को आप इंडेक्स करवा रहे हैं। आपने इसको मॉडिफाई करने के बाद सिंपली सेव के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको ने इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद हम चलते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ, रिव्यू योर मेटा रोबोट टैग्स। बेसिकली इस स्टेप में आपको बताऊंगा आप अपने वेबसाइट में मेटा रोबोट टैग्स को रिव्यू कैसे कर सकते हैं। जो मेटा टैग्स होते हैं ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं सर्च इंजन बोर्ड्स को आपकी इंडेक्सिंग, आपके पेजेस की इंडेक्सिंग और आपके वेब पेजेस के लिंक्स को एक तमाम एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है जो इन टैग्स के ऊपर होती है। एक आपको श्योर करने की जरूरत है कि आपने जो पेजेस जो है आपको इंडेक्स करवाने के लिए पेजेस आपने दिए हुए उसके आपने मेटा टैग्स जो है आपने अप्रोप्रिएट तरीके से प्लेस किए हुए कि नहीं किए हुए। आपने अगर मेटा टैग्स को अप्रोप्रिएट तरीके से प्लेस नहीं किया हुआ तो आपको आपके पेजेस को सर्च इंजन कैसे इंडेक्स करवा सकता है। तो उसको आपने चेक करने के लिए सिंपली आपने जाना है ब्लॉगरी सेटिंग पे। ब्लॉगर सेटिंग में जाने के बाद आपने नीचे ऑप्शन नज़र आ जाएगा क्रोलिंग एंड इंडेक्सिंग। क्रोलिंग इंडेक्सिंग पर जाने के बाद नीचे आपके सामने ऑप्शन नज़र आ जाएगा पोस्ट एंड पेजेस इंडेक्स का ऑप्शन। इसके ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप सामने देख लेना है आपने नो इंडेक्स के ऑप्शन पर क्लिक तो नहीं किया हुआ। अगर आपने नो इंडेक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक किया आपने सिंपली इसको ऑफ करके ऑल और नो .php वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और सिंपली सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका जो है सेकेंड स्टेप खत्म हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। इस स्टेप में आपको बताऊंगा आप अपने साइड मैप को कैसे सबमिट कर सकते हैं। साइड मैप जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके सर्च इंजन को आपकी जो पेजेस को आपके कंटेंट को सर्च इंजन में इंडेक्स करवाने के लिए। जो साइड मैप होता है XML फाइल होती है बेसिकली आपके तमाम आपकी वेबसाइट के तमाम पेजेस के जो आपके सर्च इंजन को मदद करती है आपकी जो वेबसाइट के तमाम स्ट्रक्चर और इंडेक्सिंग ऑफ योर कंटेंट इनके तमाम जो एक तकरीबन को इन सबको मिलाकर एक फाइल बन जाती है जिसको कहते हैं XML साइड मैप, जो आपके इंडेक्स पेजेस को मोर एफिशिएंटली और स्ट्रक्चर करने के लिए एक प्रॉपर फाइल होती है। इसको जनरेट करने के लिए आपको बहुत आसान तरीका है, आपने सिंपली जाना है अपने गूगल में जाने के बाद आपने लिख देना है जनरेट साइड मैप फॉर ब्लॉगर। आपने इस पर क्लिक करके सब पहली वाली वेबसाइट पर चल जाना है। पहली वाली वेबसाइट पर जाने के बाद आपने वहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक पुट कर देना है, अपनी वेबसाइट का ब्लॉगर नेम पुट करके या ब्लॉगर नेम नहीं सॉरी URL पुट करके आप नीचे सिंपली लिखाएगा जनरेट साइड मैप फॉर ब्लॉगर। जनरेट साइड मैप के ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है, आपके सामने एक फाइल जनरेट हो जाएगी जिसको आपने सिंपली कॉपी करके अपने ब्लॉगर सेटिंग में वापस आ जाना है। वापस आने के बाद आपने चले जाना है क्रोलिंग एंड इंडेक्सिंग के ऑप्शन, नीचे लिखा हुआ कस्टम robot.txt ऑप्शन, आपने इसको इनेबल करने के बाद नीचे आपने देना है कस्टम robot.txt ऑप्शन पर क्लिक करके वहाँ भी जो आपने कॉपी की हुई फाइल उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने सिंपली सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस तरह आपका जो साइड मैप जो होता है वो इजीली क्या हो जाता है आपने जो ब्लॉगरी सेटिंग में वापस सबमिट होता है। आप ब्लॉगरी सेटिंग में सबमिट हो चुका है लेकिन आपने इसको साइड मैप को गूगल सर्च कंसोल में भी सबमिट करवाना है। वहाँ पर भी सबमिट करवाने के लिए आपने सबसे पहले जाना है
अपने गूगल सर्च कंसोल पे साइनअप करना है। साइनअप करने के लिए आपको अपनी वेबसाइट का लिंक पुट करना पड़ता है। लिंक पुट करने के बाद आपने गेट स्टार्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना, आपकी जो वेबसाइट है सिंपली गूगल सर्च कंसोल में रन हो जाएगी। रन होने के बाद आपको जो तमाम सेटिंग है वो विद इन 24 आवर्स शो हो जाती है। तो मैप जो मैप जो होते हैं उनके पेजेस होते हैं वो 24 आवर्स में शो हो जाते हैं। लेकिन आपने साइन मैप जनरेट करने के लिए सबमिट करने के लिए आपने सिंपली पेजेस वाले ऑप्शन पर जाना है। सॉरी इंडेक्सिंग वाले ऑप्शन पर जाने के बाद नीचे आप सामने साइन मैप का ऑप्शन उतर आ जाएगा। वहाँ पर जाने के बाद आपने साइन मैप डॉट एक्सएमएल के ऑप्शन पर लिख देना है। आपकी वेबसाइट का यूआरएल बैक पे लिखा होगा, साइड पे खाली जगह होगी, साथ ही खाली जगह होगी वहाँ पे आपने लिख देना है साइड मैप एक्सएमएल साइड मैप सॉरी साइड मैप डॉट एक्सएमएल। आपने सिंपली सबमिट कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको सक्सेसफुल नीचे आ जाएगा, आपका साइड मैप जो है वो सबमिट हो चुका है गूगल सर्च कंसोल में। इस तरह आप साइड मैप जनरेट करके उसको सबमिट कर सकते हैं इजीली तरीके से। यहाँ पे आपका थर्ड स्टेप खत्म होता है। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ स्टेप की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है और मेरा फेवरेट स्टेप है, मॉनिटर योर क्रॉल एरर्स। आपको अगर अपने एरर्स को डेली मॉनिटर नहीं कर पाएंगे तो आप कैसे एरर को फिक्स कर पाएंगे। बेसिकली क्रॉलिंग एरर जो होता है इसका जो मेन वेरियस जो काफ़ी सारे रीजन क्या होते हैं इसके, ब्रोकन लिंक्स होते हैं, सर्विस इश्यूज की वजह से भी होता है और मिसकॉन्फिगर्ड सेटिंग की वजह से भी होता है। एक एरर का एक दूसरे में कनेक्शन होता है, हर एक एरर का एक दूसरे के साथ लिंक होता है, इसलिए डुप्लीकेट विदाउट यूजर रिजल्ट कैनोनिकल टैग, इसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ जो आपको होम स्क्रीन पे शो हो रही होगी। सामने आपके सामने एक वीडियो शो हो रही होगी, आप जो इस पर देखें आप इजिली वहाँ पर जाकर अपने डुप्लीकेट विदाउट यूजर सेलेक्ट कैनोनिकल टैग एरर को फिक्स कर पाएंगे। आप इस एरर को फिक्स कर पाएंगे तो इजिली आप इंडेक्सिंग वाले एरर को भी फिक्स कर पाएंगे। इसके ऊपर भी मैं प्रॉपर एक वीडियो बना चुका हूँ जो आपको आपके सामने शो हो रही होगी। इन एरर को फिक्स करने के लिए तमाम के तमाम वीडियोस मैं ऑलरेडी फिक्स कर चुका हूँ, ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप जाए मेरे ब्लॉगर की प्लेलिस्ट पे जाने के बाद तमाम अपने ब्लॉगिंग की मैं जो भी ट्रिक्स हैं, जो भी एरर्स हैं, जो भी आपके सामने इश्यूज आते हैं वो तमाम इस समय शो कर देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। आप जाकर देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है आपको वीडियो को लाजमी लाइक करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दीजिएगा।